मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर ने सीएम योगी आदित्यनाथ को मनोरोगी बताया है। राज बब्बर घायल आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मिलने अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने राज्य सरकार की नीतियों पर निशाना साधा। वहीं राज बब्बर ने कहा कि ये सरकार जनता की नहीं बल्कि मशीनों के सहारे सत्ता में आई है। ये योगी सरकार पूरी तरह से मनोरोगी सरकार हो गई है। इस सरकार में मानवता का कहीं भी कोई अंश नजर नहीं आता। इस सरकार के अंदर शायद ये जनता की सरकार नहीं है, इस सरकार को शायद जनता ने नहीं चुना। ऐसा लग रहा है, आज लग रहा है कि इस सरकार के लोगों को जनता से कोई लेना देना नहीं है। इनको अभी लग रहा है कि हमें तो मशीनें चुनाव जिता गई हैं, इन जनता का कोई हाथ नहीं है उसमें। हम यहाँ औरतों को पीटेंगे, लड़कियों को पीटेंगे, हम यहाँ नौजवानों को पीटेंगे, बेरोजगारों को पीटेंगे, हम यहाँ किसानों को पीटेंगे, हम ऋण माफ के नाम पर उनका मजाक उड़ाएंगे, 10 पैसे का ऋण माफ करेंगे, 5 पैसे का करेंगे, 1 पैसे का ऋण माफ करेंगे। ये सरकार जिस दिन से आई है, लगता है इसको गुरूर हो गया है कि जब तक हमारे पास में मशीनें रहेंगी तब तक हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो राज बब्बर ने कहा है कि ये सरकार जनता की नहीं बल्कि मशीनों के सहारे सत्ता में आई है। बड़ा बयान राज बब्बर ने दिया है। ऐसे में हमारे संवाददाता कुलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलदीप, आपसे जानना चाहूंगा, राज बब्बर ने ये एक बयान जारी किया है जिसपे लगातार सरकार को घेरने की बात कही है, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो भी कर्मचारी हैं, ये सोमवार से मंगलवार तक इन्होंने 32 घंटे लगातार प्रदर्शन किया, और जब इनकी बातें शासन तक नहीं पहुंच पाई तो इन्होंने रोड सड़क जाम कर प्रदर्शन किया, और सड़क जाम प्रदर्शन किया, वहीं इनकी वार्तालाप को लेकर लगातार ये अपनी बातचीत करती रही, लेकिन वार्तालाप विफल होने के बाद इन्होंने कड़ा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, जिसके चलते पुलिस ने इन पर कल लाठीचार्ज कर दिया था। लाठीचार्ज के दौरान कई महिलाएं घायल हो गई थी, जो सिविल अस्पताल में भर्ती कराई गई। वहीं आज सुबह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर उनसे मुलाकात करने के उनका हालचाल लेने गए, तो वहीं हालचाल लेने के दौरान राज बब्बर ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि सरकार में किसी भी महिला की सुनी नहीं जा रही है, महिला का शोषण हो रहा, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और जो वादे किए थे सरकार ने उस वादे पर बिल्कुल पूरी तरीके से कहीं खरी नजर नहीं आ रही है। ठीक है कुलदीप।